हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर वंदना भारती। क्लास ट्वेल्थ कॉमर्स सब्जेक्ट बिजनेस का चैप्टर 5 विदेशी व्यापार में क्रय विक्रय की शर्तें। पिछले वीडियोस में हमने आपको एडेंट और एडेंट के प्रकार के बारे में बताया था। आज हम आपको इस वीडियो में एडेंट में लिखी जाने वाली बातें एवं शर्तों के बारे में बताने जा रहे हैं, यानी कि कंटेंट्स ऑफ एन एडेंट। तो बंद एडेंट में सामान्यतः निम्नलिखित बातों का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। पहला है आपका माल का गुण, यानी कि क्वालिटी ऑफ गुड्स। बंद एडेंट में वस्तु का नाम लिखने के साथ साथ उसका रंग, रूप, आकार, प्रकार, चिन्ह तथा ट्रेडमार्क आदि बातों का भी विवरण देना आवश्यक होता है। स्पष्ट विवरण के अभाव में अनावश्यक पत्र व्यवहार करने के समय बर्बाद होता है और पारस्परिक मतभेद उत्पन्न होने की भी आशंका या संभावनाएं रहती हैं। माल दूसरा पॉइंट है आपका माल की मात्रा, यानी कि क्वांटिटी ऑफ गुड्स। बंद एडेंट में माल के गुण के साथ साथ माल की मात्रा का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। प्रायः विभिन्न देशों में नाप तौल की इकाइयां भिन्न भिन्न होती हैं, अतः नाप तौल उसी देश की इकाई में लिखी जानी चाहिए जिस देश से माल मंगवाया जा रहा है। भारत के व्यापारी को यह मात्रा किलोग्राम क्विंटल में बतानी चाहिए। इंग्लैंड के व्यापारी को यह मात्रा टन, हंडर वेट या क्वार्टर तथा पाउंड में बतानी चाहिए। तो माल की मात्रा नाप तौल की मीट्रिक प्रणाली में व्यक्त की जा सकती है, क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में यह प्रणाली प्रचलित में है। तीसरा पॉइंट्स आपका है माल की दिखावट, ठीक है। तो अपीयरेंस ऑफ गुड्स, इंडेंट में माल की दिखावट के संबंध में भी स्पष्ट उल्लेख होता है। दिखावट का अर्थ यह है कि माल को भेजने से पहले इसे सुंदर एवं आकर्षक ढंग से तैयार किए जाएं, अर्थात वस्तु को सुंदर ढंग से मोड़ा जाए, उपयुक्त स्थान पर सील लगाकर नाम आदि छापा जाए तथा एक प्रकार की सभी वस्तुओं को एक जैसे या एक ही बंडल में रखा जाए। स्पष्ट आदेश के अभाव में निर्यात अभिकर्ता का यह कर्तव्य है कि वह अपने विवेक से माल को आकर्षक एवं सुंदर ढंग से तैयार कराकर भेजे। चौथा पॉइंट्स आपका है माल का संवेष्टन, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पैकिंग ऑफ गुड्स। तो इंडेंट में माल के संवेष्टन के संबंध में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, क्योंकि विभिन्न देशों के मध्य हज़ारों किलोमीटर की दूरी होती है और रास्ते में माल के टूटने फूटने या खराब होने का भी भय रहता है। तो वस्तुओं का संवेष्टन इंडेंट में दिए गए निर्देशों के अनुसार होना चाहिए। तो स्पष्ट निर्देशों के अभाव में जो स्वविवेक के से संवेष्टन किया जाना चाहिए। संवेष्टन करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि पैकिंग इस प्रकार से की जानी चाहिए जिससे माल सुरक्षित रहे। पैकिंग इस प्रकार से की जानी चाहिए जिससे माल को रखने एवं उतारने चढ़ाने में सरलता हो। पैकिंग इस प्रकार से की जानी चाहिए जिससे कम से कम स्थान में अधिक से अधिक माल रखा जा सके। पैकिंग वह माल के मूल्य के अनुरूप की जानी चाहिए। पैकिंग माल के स्वभाव के अनुसार की जानी चाहिए। पैकिंग ना तो बहुत ढीली हो और ना ही अधिक सख्त होनी चाहिए। टूटने फूटने वाले माल की दशा में पैकिंग के ऊपर सीधी और बड़े बड़े अक्षरों में यह दिशा ऊपर, दिस साइड अप, या अत्यंत ज्वलनशील या हाईली इनफ्लेमेबल, सावधान, कांच है, ग्लास विद केयर, टूटने वाले यानी कि ब्रिटल आदि शब्दों को लिख देना चाहिए। पांचवा पॉइंट आपका है माल पर चिन्ह डालना, यानी कि मार्किंग ऑफ गुड्स। तो संवेष्टन के बाद पेटियों, बंडलों, गांठों, बोरों या टीम के डिब्बों पर इंडेंट में दिए गए निर्देश अनुसार न मिटने वाली स्याही से आयातकर्ता के नाम व पते के साथ कोई विशिष्ट चिन्ह डाल देना चाहिए, जिससे माल के निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचने पर उसके पहचानने में कोई कठिनाई ना हो। यह चिन्ह सामान्यतः त्रिभुज, चतुर्भुज, अंडाकार आदि किसी रेखाचित्र के अंदर आयातकर्ता का संक्षिप्त नाम तथा उसके देश के बंदरगाह का नाम लिखकर बनाया जाता है।